जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रोहिणी के सेक्टर 7 का ये एरिया है। जो पॉकेट है वो बता दूँ आपको, D12 लगती है। मामला बड़ा संगीन है और हालांकि जिस विषय पे मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो मामला को नया नहीं है। लगातार दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर आपको इस तरह का भ्रष्टाचार नज़र आ जाएगा। अवैध बिल्डिंग के निर्माण का जो भ्रष्टाचार है वो लगातार दिल्ली के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से ना जाने कितनी समस्याएं जो हैं हम लोगों को झेलनी पड़ती है, उस आम आदमी को झेलनी पड़ती है जो उसके नज़दीक में रहता है। सेम समस्या का शिकार इस समय राजकुमार जी हो रहे हैं। मेरे साथ ये व्यक्ति जो देख रहे हैं आप, ये इनका नाम है राजकुमार और इनके साथ भी इस तरह का ही एक समस्या है। इनको भी देखें, मैं अगर मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे जो 4 मंजिला, मतलब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऊपर फिफ्थ फ्लोर, मतलब 5 मंजिला ये बिल्डिंग इमारत यहाँ पर बनी खड़ी है। लेकिन सही मायने में जिस एरिया में मैं इस समय मौजूद हूँ वहां पर सरकार के हिसाब से केवल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर जो है निर्धारित किया गया है कि यहां पर केवल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर रहेगा। उसके अलावा यदि आप किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन, मतलब फर्स्ट फ्लोर के अलावा कोई भी आप मंजिल तैयार करते हो तो वो अवैध निर्माण में आती है। लेकिन उसके बावजूद भी जब यहां पर 5 मंजिल खड़ी हो जाती है, ना पुलिस प्रशासन को नजर आता है, ना DDA के अधिकारियों को नजर आता है, ना क्या नाम है और अन्य किसी भी डिपार्टमेंट को यह पता लगता है, MCD को पता लगता है कि यहां पर 5-5 मंजिल का निर्माण हो जाता है। लेकिन हां, एक बेगुनाह को फंसाने के लिए हमेशा तमाम तरह के डिपार्टमेंट भी तैयार है, लेकिन यहां पर 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रशासन तक आवाज नहीं गई है। राजकुमार जी के पास अनेकों तरह की 2015 से, मतलब पिछले 8 साल से लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट के इनके जूते चप्पल घिस गए, लेकिन सरकारी महकमे के, सरकारी बाबू के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार राजकुमार जी से आपकी बात कराऊंगा और ये अपने आप बताएंगे कि किस तरह से समस्याएं रही थी। सबसे पहले सर आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत जी। राजकुमार जी, मैं जानना चाहूंगा क्या कब से ये समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा और किस तरह से शुरुआत हुई थी पूरी बात? ये सर मेरे को 15 से बहुत समस्या है। इन लोगों ने क्या किया, ये दुकान मकान था, मैंने इनको बोला कि भाई आप जो ये मकान बना रहे हो, इसको दुकान बना रहे हो, हॉल बना रहे हो, ये मत करो क्योंकि नींव इतनी मजबूत नहीं है कि आप कल को, हम मान लो कोई बात हो जाती है तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इन लोगों ने कोई बात नहीं सुनी और बड़े बहुत ज़्यादा हमें टॉर्चर किया हर तरह से। मेरे बच्चे उस टाइम हॉस्टल में थे, मैं भी ड्यूटी पे था दिल्ली जल बोर्ड पीने के पानी में। अच्छा, तो मैं इनसे बड़ी हाथ जोड़ के विनती करी लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने कंप्लेन डाली तो इन्होंने मेरी कोई सुनवाई ना तो MCD में हुई, ना मैं यहाँ नेताओं के पास गया, आलोक शर्मा के पास, उदित राज जी के पास गया, कोई सुनवाई नहीं करी किसी ने मेरी। उसके बाद मैं बड़ा हताश, निराश, परेशान, पुलिस में भी कंप्लेन करी, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये लोग मुझे आते बस धमका के, डरा के चले जाते। ये इन्होंने, ये MCD वाले, मतलब MCD वाले लोग उल्टा आपको धमकाना शुरू कर, मेरे को कहते हैं कि भाई तुम जाके यहाँ आओ, हम बात करते हैं उनसे बुला के। और मुझे सुबह शाम तक बैठा के और वापस भेज देते थे। मैं सुबह शाम तक हार्ट का पेशेंट हूँ, थायराइड का पेशेंट हूँ, BP का पेशेंट हूँ, तो मैं सुबह थायराइड की दवाई, गैस की दवाई खा करके मैं ऑफिस बैठा रहता था लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। मुझे वापस भगा दिया जाता था कि आप जाओ। मेरी इस चक्कर में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मैं अब, मेरी मिसिज इस परेशानी से बीमार पड़ गई है, उसके चक्कर में मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैंने आप लोगों की शरण ली है। अपने अपने क्षेत्रीय पार्षद जी को, क्योंकि पार्षद का काम होता है निगम में होते हैं वो, तो वो भी देख रेख करते हैं। उनके पास भी मैं गया था, ये मैडम थी रितु गोयल जी। अच्छा, उन्होंने भी कोई खास आश्वासन नहीं दिया। उनके PA साहब थे राजीव। हाँ। वो मुझे कहते हैं कि भाई वो अब नहीं टूटेगा। पार्षद की भी PA होते हैं? हाँ जी, वो उनके पास बैठे रहते हैं, वो कह रहे थे मैं PA हूँ, मेरे पास फोन में नंबर है उनका। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि अब ये नहीं टूटेगा, बना बनाया नहीं टूटेगा। मैंने कहा सर मेरा भी तो नुकसान हुआ है। हाँ। तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस मुझे भगा दिया ऐसे। जब आप MCD दफ्तर में जाते हैं तो आपके साथ किस तरह से बोलते हैं? तब आपने कंप्लेंट करी तो उन्होंने मिलने ही नहीं देते सर। मेंबर
उन्होंने बैनर लगा रखा है कि 12 से 1 डिप्टी कमिश्नर मिलेगी आम पब्लिक से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं किसी की। वो बैनर बस यूं ही लटका रहता है। उनके पीए साहब हैं केएल शर्मा, वो सफ़ेद झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं मैडम ऑनलाइन मीटिंग पे, मैडम रूम में आराम करती रहती हैं या फिर बैठी फ़ोन पे बात करती रहती हैं। हमने कई बार झांक के देखा तो हमें फौरन रोक दिया गया कि आप क्या कर रहे हो, ये क्यों गेट पे जा रहे हो। जैसे कई बार पियोन नहीं होता तो उन्होंने हमें डांट के भगा दिया और हमें एक बार भी मिलने नहीं दिया। करीब 2-3 महीने हमने चक्कर काटे लेकिन नहीं सुनवाई हुई हमारी। अब जैसे पहले तो निगम का जो पूरा महकमा था वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था पहले, तो अब तो हालांकि आम आदमी पार्टी के आ गया, लेकिन पहले बीजेपी भी बड़ी बड़ी बातें करती थी कि निगम में हमारे यहाँ किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तुरंत सुनवाई होती है, हम कार्रवाई करते हैं लगातार। नहीं सर, मेरी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं तो झूठ बोलूँ। मैंने कहा तो आलोक शर्मा जी के पास मैं गया, इनके पास गया, उदित राज जी के, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी मेरी और मुझे वैसे ही परेशान करके आना पड़ा, परेशान होकर आना पड़ा। मेरे साथ किसी ने कोई अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत तकलीफ से आप लोगों को मैंने इसीलिए जो है बोला है। अब क्या क्या समस्याएं इस समय आपके पास आ रही, क्योंकि मकान बन चुका है और मैं देख भी रहा हूँ वो पूरी, देखो आप खुद ही पूरी 5 मंजिला बिल्डिंग है और यहाँ पर कमर्शियल काम है। नीचे अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे कमर्शियल काम है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी कमर्शियल काम है और जो कि ग्राउंड और फर्स्ट, मैंने अभी जैसा कि आपको खुद बताया कि यहाँ पर जो अप्रूव्ड है जो वो जी अप्रूव्ड है जो वो ग्राउंड और फर्स्ट है। अभी जो राजकुमार जी का फ्लैट आप देखेंगे तो वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये बिल्कुल DDA पोजीशन में, जो पोजीशन सरकार की है उसी पोजीशन में जी। यहाँ से अब इसने गेट बंद कर लिया, नहीं पहले बाइक यहीं लगाता था और जब मर्जी लड़ने के लिए आ जाता था। ना तो इन लोगों को मेरी उम्र का लिहाज, ना मेरी बीमारी का लिहाज, किसी चीज़ का लिहाज नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इसी वजह से मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब हो गई। 2 महीने से मेरी मिसेज हॉस्पिटल में रहकर आई है और अभी भी आप देख सकते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तमाम तरह की इन्होंने इस चीज़ को लेकर के हर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर चुके हैं, MCD में कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस में कर चुके हैं और दिल्ली जल बोर्ड में कर चुके हैं। तमाम विभागों के अंदर कंप्लेंट देने के बावजूद भी आज राजकुमार जी की हालात ये है कि हार थक कर करके कहीं ना कहीं बड़ी, मैं क्या शब्द बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि ये व्यक्ति बड़े हताश हैं इस समय, बहुत परेशान होकर के अब ये गुहार लगा रहे हैं कि एक बार निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए कि यहाँ पर क्यों इस तरह से, जब 5 मंजिल तक की बिल्डिंग जब बन रही थी तब किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी को ये नज़र क्यों नहीं आया कि 5 मंजिला बिल्डिंग तैयार होगी। ना उस समय पुलिस की भी आँखें बंद हो चुकी, MCD के डिपार्टमेंट की आँखें बंद हो चुकी, दिल्ली जल बोर्ड के डिपार्टमेंट की आँखें बंद हो चुकी, मतलब क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं बिना लेन देन के यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में इस तरह की 5 बिल्डिंग का, वो भी अवैध बिल्डिंग का निर्माण करना इम्पॉसिबल है। उसके जब अब व्यक्ति जब परेशान है, राजकुमार जी लगातार कंप्लेंट दे रहे तो उन लोगों को सुनवाई करनी चाहिए। निवेदन करूँगा आला अधिकारियों से एक बार इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो भी उचित कार्रवाई है वो जरूर की जाए और यदि इस तरह की अवैध बिल्डिंग का निर्माण को नहीं रोका गया तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के ऊपर भी संकट आ सकता है, क्योंकि अनेकों तरह के जब जब भी भूकंप जैसा हम लोगों को सामना करना पड़ता है तब बिल्डिंगों से निकलना या अपनी जान को बचाना भी कई बार असंभव जैसा हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।